सेट से आई है बड़ी अपडेट जो कि आप लोगों को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं यारों का यार होस्ट राहुल भोज। बोला था ना कि ये घर वाले गलत कर रहे हैं, बोला था आपको कि ये चाहत के खिलाफ जो गैंग अप कर रहे हैं इनको इस वीकेंड के वार पे ये चीजें भारी पड़ेंगी। सलमान साहब ने सभी घर वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया और बोला है कि तुम्हारी इंसानियत कहां है, इंसानियत खोके तुम इंसेन क्यों बन रहे हो भैया। चलिए बता दूं दोस्तों, तो ये एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहां पे चाहत को, एक अकेली चाहत को रोकने के लिए ये झुंड में आ गए हैं, जहां पे अरफीन की सो कॉल्ड वाइफ जो अपने आप को कर रही थी, वो उसने चाहत को खाना बनाने से पीछे यूं करके पकड़ लिया है, तुमने जो है डिसमेंटल कर दिया है चूल्हे को। और यहाँ पर रजत दलाल से लेकर ये तमाम लोग जो है चाहत पे इस कदर अटैक कर रहे हैं जैसे कि एक शेरनी पर जिस तरीके से लकड़ बग्घों का झुंड आकर जो है अटैक करता है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सलमान साहब यहां पर कहते हैं कि घर वालों तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम अगर लड़की का मैटर कह के अविनाश पर अटैक करते हो और चुम को सपोर्ट करते हो, तो जब यहां पर इसके साथ ये सारी चीजें हो रही थी, यानी कि चाहत के साथ ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा था, उस वक्त तुम कहां थे, उस वक्त तुम्हारा ईमान, तुम्हारी इंसानियत किधर था। सलमान साहब ने यहां पर दोस्तों घर वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसानियत और इंसेनियत में क्या फर्क है। यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि सलमान साहब ने चाहत के सपोर्ट में ये बातें बोली हैं कि चाहत तो बनाएगी खाना, वो तो अपने टास्क को कर रही थी, वो तो उस चीज को कर रही थी, खाना तो आपको मिल ही रहा था, बेसिक राशन, ये तो आप लोगों की जिद थी कि आपको नहीं भाई स्पेशल और राशन भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जो है चाहत को मिला है, आई एम वेरी हैप्पी। चाहत इससे जो डिमोटिवेट हो रही थी कहीं ना कहीं वो अच्छा और प्रदर्शन करेंगी। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं, चाहत या बाकी घर वाले, कमेंट सेक्शन आपका है। चलता हूं मैं।